भाई यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और मज़े भी होंगे, अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए आप लोगों के मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और लाइक किया करें, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहा करें। तो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ। अच्छा, बनाने जा रही हूँ मैं काले चने, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, मैंने रात भर भिगोए थे और अच्छे खासे मोटे भी हो गए हैं, जब ज़्यादा भिगोते हैं तो अच्छे फूल जाते हैं। तो ये चना मसाला ग्रेवी बना रही हूँ, इसमें मैं डालती हूँ ऑयल। प्रेशर कुकर में बनाऊँगी तो एक सीटी में ही ये अच्छे से गल जाएंगे। अच्छा, और इसमें मैंने जो पेस्ट बना के रखी है अनियन की, वो मैंने काफ़ी दिन से बना के रखी थी, और ये मैं कभी कभी बना लेती हूँ ताकि ये फिर काम आ जाते हैं, तो ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता। कुछ सालन होते हैं उनके, और क्योंकि ये रोस्ट करके मैंने इसको किया था तो ज़्यादा इसमें इसको इसी में गलाऊंगी मैं। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, मसाले सारे साथ साथ आपको साथ साथ ही मैं ऐड करती जाऊंगी तो आपको दिखाती जाऊंगी। मसाले सब वही होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होते, बस ये कि आप लोगों के साथ जो बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा भून लेती हूँ, फिर इसमें जो मसाले होंगे वो भी मैं ऐड कर दूँगी। तो ये देखें, अच्छे से मसाला हो गया, इसमें स्पाइसेस डालूंगी मैं सारे। तो मसाले तो सारे वही डालूंगी, नमक मिर्च हल्दी सारी चीज़ें, तो कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन ये है कि सारी चीज़ें मैं पेस्ट फॉर्म में डालूंगी, साबुत कोई भी नहीं डालूंगी। अच्छा, इसमें ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पिसी हुई का, और जीरा पाउडर 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और हल्दी क्वार्टर हाफ से थोड़ा सा कम। अच्छा, इसमें जो मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है जी तंदूरी मसाला, मैंने पिसा हुआ भी डाला है जीरा और साबुत भी डाला है, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुँह में आता है। तो ये मेरे पास तंदूरी मसाला है, मैं हमेशा ग्रिल वगैरह बनाती हूँ और को बहुत सारे सालन होते हैं तो उसमें बनाती हूँ तंदूरी मसाला। ये मैं भर के डालूँगी थोड़ा सा, और क्योंकि ये प्रेशर कुकर में बनाना है तो इसलिए फिर सारे मसाले इसी में घुल मिल जाते हैं। अच्छा जी, पिसी हुई 1 टीस्पून हरी मिर्च, और टमाटर भी पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था पेस्ट, वो भी डालूंगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के डालें, टेबलस्पून मैं इसके ग्रीक योगर्ट डाल रही हूँ। थिक होती है तो बहुत ज़्यादा, फिर टू मच नहीं डालती क्योंकि ग्रीक अच्छी होती है, ये क्रीमी स्ट्रक्चर आता है इसमें। अच्छा, थोड़ा सा अच्छे से भून लें और ये गल जाएंगे तब भी इसको बहुत अच्छे से भून लें, और गरम मसाला जब बन जाएंगे तब गरम मसाला डालूंगी। मेरे पास मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है गरम मसाला, तो वो बाद में ऐड करूंगी, हरी मिर्ची भी बाद में ऐड करूंगी।
इसमें पानी ऐड करती हूँ मैं। इसमें मैंने डाल दिया अच्छा खासा, और ये जब एक सीटी बजेगी तो इसको मैं बंद कर दूँगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ भूल गई हूँ करना, इसको खोलूँ, वो जो टिप मैं यूज़ करती हूँ वो फिर करूँगी। इसमें इसको इसमें ऑयल लगाऊंगी, फिर पानी इसका नीचे नहीं निकलेगा। इसको मैंने प्रेशर इसका कवर कर दिया इसको, तो जब एक सीटी होगी तो फिर इसको ओपन करूँगी तो आपको दिखाती हूँ मैं। प्रेशर कुकर का ऊपर से ढक्कन हटा दिया इसका, और ये देखिए थोड़ा सा इसमें है पानी। इसका सॉस तो रखना है, लेकिन अभी इसको भूनना भी है, मज़ीद भूनना है। पानी इसका अच्छे से ड्राई हो जाएगा बाद में। जितना ये देखें चने गल चुके हैं, ये देखें बहुत अच्छे से गल गए। थोड़ा सा इसको भूनना है, पानी ड्राई करके इसको भूनना है, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। बहुत अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। बस इसमें इतनी ही ग्रेवी रहने दूंगी और इसको करते हैं बंद। और फ्रेश धनिया इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा। चलिए इसको डिश आउट करती हूँ। आउट कर लिया, चना करी बिल्कुल रेडी है। और इसमें मैंने थोड़ी सी गार्निश कर दी है जिंजर की, थोड़ी सी हरी मिर्चें और फ्रेश धनिया। तो यमी यमी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।